Hi guys, welcome back to my channel and I hope you all are doing great and I hope you all are keeping yourself safe in lockdown, especially in COVID and most probably you all are getting your vaccine done as soon as possible you get the slot and I just created this look. I hope you guys love it and मैंने थोड़ा सा लिप्स को न्यूट करके एंड आईज काइंड ऑफ अ सिमिलर टोन में करके एंड थोड़ा सा ब्रॉन्जी सा लुक दे के ये मैंने क्रिएट किया है एंड अगर आपको ये अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विदाउट फर्दर एनी ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ऑलराइट गाइस, सो आई हैव ऑलरेडी यू नो वॉश्ड माई फेस एंड Now I'm using this Nutriderm ka moisturizer. मुझे actually skin का बहुत ज़्यादा problem रहता है, so that's the reason I always, you know, choose a product which has like lot of reviews and lot of trials from other people. So that's the reason I basically got this moisturizer. एंड ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता बिकॉज आई हैव अ एक्सट्रीमली ऑयली स्किन दैट्स अ रीज़न आई एम लाइक आई ब्रेक आउट अ लॉट सो या बट आई एम एक्चुअली लविंग दिस एंड सो द प्राइमर आई एम यूजिंग आई हैव ओनली वन प्राइमर दिस इज़ फ्रॉम फेसेस कैनेडा अल्टीमेट प्रो एंड इसको यूज़ करते हुए मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स हो चुके हैं. मैं ज़्यादा इसको ज़्यादा लगाती नहीं हूँ बिकॉज आई हैव ओनली हेयर यहाँ पर मुझे थोड़े ओपन पोर्स हैं तो मैं इन्हीं पे अप्लाई करती हूँ एंड मैंने एक यूट्यूबर को बताते हुए सुना था कि आपको अपने प्राइमर को रब नहीं करना चाहिए जो चीज़ आपको हाथों से अच्छी मिल सकती है बिकॉज हमारे हैंड्स के अंदर वॉर्म्थ होती है सो दैट्स अ रीज़न यू ऑलवेज लाइक यू शुड वॉश हाथ धोकर अपने हाथ से यूज़ कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ओके सो नाउ वी आर डन विद द प्राइमर एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस फिट मी का. आई रिसेंटली ऑर्डर्ड दिस एंड आई एम इन द शेड इट्स 230 राइट या नेचुरल बाफ. सो अगर आप मेरी स्किन टोन के हो सो आप यूज़ कर सकते हो. पहले इसके अंदर पंप नहीं आता था पर रिसेंटली आई थिंक मेबलिन ने ये चीज़ अच्छी कर दी और इसका शेड ऐसा ऐसा कुछ दिखता है. तो अगर आपको लाइक इफ़ यू आर काइंड ऑफ माई स्किन कलर देन यू कैन गेट इट. ऑलराइट सो आई एम टेकिंग दिस हेयर एंड एज समर है तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी बहुत थोड़ा सा लूँगी एंड ओके एंड रिसेंटली मैंने एक्चुअली मैं मालविका सतलानी को बहुत फॉलो करती हूँ ऑन इंस्टाग्राम और ऑन यूट्यूब ऑल्सो एंड मैं उन्हीं से इंस्पायर होके मुझे थोड़ा बहुत लाइक आई एम जस्ट यू नो गेट इन टू दिस लाइन कि मुझे मेकअप वगैरह सीखना है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके पैशनेट हूँ. जहाँ जहाँ आपको लगता है दैट यू नीड लाइक हायर कवरेज आप उसको वहाँ वहाँ पर ज़्यादा अप्लाई कर लो. जहाँ आपको लगता है आपको कम चाहिए जैसे हमें ज़्यादा ज़रूरत फॉरहेड पे नहीं होती है तो आप उसको वहाँ पर कम लगा लो. एंड बिकॉज ऑफ द एक्ने इशू आई टेंड टू वॉश माई ब्लेंडर्स एंड माई ब्रशेज क्वाइट ऑफन लाइक वीक में अगर मैं 3 बार मेकअप कर रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2 बार तो अपने ब्रशेस को वॉश करूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि इस चीज़ का इम्पैक्ट क्योंकि एट द एंड डस्ट तो जाता है इनमें से गंदे तो ये होते ही हैं एंड
मेरी स्किन बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, सो दैट्स अ रीज़न आई ऑलवेज, और ये मेरी स्किन के कलर का बिल्कुल मैच करता है ये फाउंडेशन। लाइक अगर मीडियम आप अंडरटोन में होना, लाइक आप मीडियम में हो, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा फेयर, तो आप हमेशा कलर मीडियम में ही सेलेक्ट किया करो आपने अपने फाउंडेशन। दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो ना, इन द लाइक इन टूडेज टाइम वी आर नॉट गोइंग एनी वेयर, राइट? सो अगर आपको कोई भी अपना फाउंडेशन कंसीलर ऑर्डर करना है ना, कंसीलर आपको पता है दो शेड आपको लाइटर लेना है अपने स्किन टोन से, एंड इन केस यू आर लुकिंग फॉर द फाउंडेशन। सो मैंने ये फाउंडेशन इसी तरीके से सेलेक्ट किया कि मैं मिड में हमेशा चूज़ करती हूँ, लाइक ना ज़्यादा डार्कर टोन पे ना ज़्यादा लाइटर टोन पे, बिकॉज मेरा स्किन टोन नॉर्मल स्किन टोन है इसीलिए। तो उससे क्या होता है कि फिर ये नहीं होता यार ज़्यादा डार्क आ गया है या लाइट आ गया, हमारी स्किन को सूट नहीं कर रहा है, राइट? मैं थोड़ा सा और लूँगी बिकॉज आई नीड कवरेज है। और जो ये मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है ना, इसके ऊपर बहुत अच्छे से अप्लाई होता है मेकअप। सो आप अगर आप ट्राई करना चाहते हो, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई। मुझे 5-6 दिन हो गए हैं, आई डोंट सी एनी साइड इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग दिस, बिकॉज समटाइम बहुत से मॉइस्चराइज़र भी स्किन को इरीटेट कर देते हैं। सो आई हैव द कंसीलर and this is in the shade light 10 number, and ये मेरी स्किन से 2 shade lighter है। डार्क स्पॉट्स को कम करने के लिए कम यूज करते हैं हम, ज़्यादातर हम जो है फेस को हाईलाइट करने के लिए हम ज़्यादा यूज करते हैं। Now I'm going to apply the powder because oily skin है, so मेरी skin को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। So I'm using this Fit Me वाला, ये भी मैंने नया order किया है, and this is in the shade number is 25 medium moyon। So मैं description box में डाल दूँगी आपके लिए, in case you are kind of a similar tone। इसका सिर्फ ड्रॉबैक यही है थोड़ा सा कि ये थोड़ा फैल जाता है, आई डोंट नो। सो सबसे पहले अपनी आईज़ को पाउडर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे वहीं पर सबसे ज़्यादा गलती नहीं की। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने ऑर्डर किया और इतना लाइट कलर मैंने ऑर्डर कर दिया ना, बहुत ज़्यादा। डन, ऑलराइट, सो माय बेस इज सेट नाउ। ओके, सो आई एम यूजिंग दिस शुगर का बूडी वंडर नंबर 2। दिस इज मिनी ब्रॉन्जर एंड ये ब्रश फ्रॉम फॉकुलर। समर में आपको पता ही है दैट पीपल डोंट यूज़ ज़्यादा मेकअप, करते नहीं हैं। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा शौक है, इट्स लाइक माय आई डोंट नो, मुझे कहीं जाना नहीं है, पर फिर भी मुझे अच्छा लगता है लाइक वेयर करना। एंड द ब्लश विच आई एम यूजिंग, आई हैव ओनली दिस वन ब्लश एंड सेकेंड वन फ्रॉम दिस पैलेट, दिस इज़ फ्रॉम शुगर। सो आई विल यूज़ शुगर वाला, यस, क्योंकि मैं आईज़ को थोड़ा ब्राइट कर रही हूँ। तो
एंड मेक श्योर वेन एवर यू आर अप्लाइंग योर योर वॉट यू कॉल योर ब्लश और योर हाईलाइटर, मेक श्योर दैट थ्री ऑफ देम आर मिक्सिंग टुगेदर. इट्स नॉट, इट शुड नॉट बी लाइक, देर शुड बी लाइक हार्श लाइन ऑन दिस. हल्का सा हम अभी थोड़ा ब्रॉन्जी सा लग रहा है, ये भी यूज़ कर लेते हैं हल्का सा. ओके, सो माय नोज कंट्रोल इज लेफ्ट. Take your beauty blender and just mix the edges. The highlighter I'm using. Where is my other palette? Yeah, I got it. Wait a second. So I'm using this kind of a rose gold shade from this palette. Let's see how this turned out. मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं यूज़ किया पैलेट से हाइलाइटर. दिस इज नाइस. आई एम शाइनिंग लाइक अ गोल्ड गोल्ड. Where is my eyebrow pencil? Okay, मेरी आईब्रो की पेंसिल कहाँ है? ठीक है, नाउ आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ जल्दी से. एंड यू नो वॉट, मेरे पास एक मस्कारा था राइट, मैंने उसी का स्पूली बना लिया. DIY. Done. So my eyebrows are done. Now let's start the eyes makeup. So I'm going to, what I'll try now, क्या ट्राई करूँ. मैंने सोचा तो था कि मैं मिंट आइस ट्राई करूँगी आज. लेट्स ट्राई दिस कलर, दिस वन, आई डोंट नो व्हाट इट कॉल्ड. या सो हम इसमें इसका ग्लिटर. ओके, सो फ्रॉम दिस पैलेट आई एम यूजिंग दिस कलर फ्रॉम ऑरेंज टोन एंड आई विल गो विद दिस शिमर. सो दैट विल बी great combination. Okay, so for the base I'm using the neutral color.
same, take another brush and don't worry, it doesn't have any color. Take that blending color and mix the edges. Okay, now take this glitter shade. This is glitter, it's not visible I think on the camera screen, but it's glitter. And I'm going to apply this color using my fingertip. Or you just have to apply this middle of your lid. Like that. थोड़ा सा लाइट आ रहा है, हमें थोड़ा सा और ऑरेंजी टोन में चाहिए. लेट्स ट्राई दिस वन. दिस इज नाइस. We need to apply because this makeup needs little bits of liner, so we are going to apply the liner. And the liner I'm using is from Mr. Quality. My eyes are looking very nice, so this is kind of a alright. And for my water lash line, I'm using this pencil from Maybelline Colossal. And for my bottom lash line, I'm using the same shade which I used my inner corners.
using the shade, this one. Okay, now time almost done hai. Looking really nice. Okay, so now the time is to curl my lashes. Okay, and for mascara I'm using this one from Lash Paradise, Voluminous, from which brand? I don't know. It's from, I think, L'Oreal. This is awesome. Okay. Alright guys, now it's time to apply the most important and most favorite part of mine, which is lipstick. And for lipstick, which one I should use? Okay, so I'm going to use this from Smashbox, and this is in the color Driver Seat, and I'm applying this shade. I'm just going to spray some fixer, and it's from Faces Canada. Guys, so I created this look, and this turned out really well. And if you like this look, and then please, I don't know why I get so like, main na fumble kyun karti hu, but it's okay. Starting aisa hota hai. सो मैंने ये लुक क्रिएट किया है ना, मेरी आंखों को पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने लेंसेज लगाए हैं, बट आई डिडंट वेयर एनी लेंसेज. ये मेरी खुद की आंखें हैं, प्यारी सी, सुंदर सी. ओके, सो अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है, देन प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड गिव मी सम लव. एंड बाय गिविंग सम लव, यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन ऑन टू माई वीडियो. And I'll see you in my next video. Till then, take care.
अपना ध्यान रखो एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड फर्स्ट बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट गेटिंग एनी स्लॉट लाइक पर ठीक है मिल जाएगा कोई नहीं टिल द टाइम आई एम जस्ट कीपिंग माई सेल्फ इन साइड द हाउस आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर सो ये मेकअप भी मैंने घर पर पहनने के लिए लगाया है क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे हैं सो कुछ तो करना है ओके सो सिंपल आई सिंपल मेकअप एंड आई जस्ट लव इट ओके अगर आप ये क्रिएट करोगे देन प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना विच इज़ सोनी दीक्षित ऑफिशियल मैं अपना हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय